ऑलराइट जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज यासिर यामीन एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस सेशन। मेरे दोस्तों, आज के सेशन के अंदर हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं आपके सीआरक्यूज के ऊपर। हमको ये मालूम है कि जब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का एग्जाम देने जाएंगे तो आप सब लोगों के पास दो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन आएंगे एग्जाम के अंदर, जिसमें से एक होगा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर और एक होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, यानी रेशियोज के ऊपर। अब अक्सर ये नोट किया गया है कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एरिया क्योंकि ओवरवेलमिंगली न्यूमेरिकल एरिया होता है, तो वहां पे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से थ्रू प्रैक्टिस भी इवन मार्क्स गेन कर लेते हैं, लेकिन सम टाइम्स दे डोंट स्कोर एज वेल यू नो एज दी अदर क्वेश्चन इन द रेशियोज क्वेश्चन। तो रेशियोज क्वेश्चन के अंदर अक्सर मार्क्स नहीं आते। तो एग्जामिनर ने ये आर्टिकल लिखा जो कि एसीसीए की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, और इसके अंदर उसने बहुत अच्छी टिप्स एंड टेक्निक्स बताई हैं जिसके थ्रू वो कह रहा है कि यू कैन स्कोर बेटर इन योर एफआर एग्जाम। बेसिकली दिस एसीसीए टेक्निकल आर्टिकल इज ऑन हाउ टू इम्प्रूव योर आंसर टू एफआर इंटरप्रिटेशन एग्जाम क्वेश्चन। सो व्हेनेवर एन इंटरप्रिटेशन एग्जाम क्वेश्चन कम्स, हाउ यू कैन इम्प्रूव योर आंसर, उसके ऊपर एग्जामिनर बात कर रहा है। इसको बेस बना के हमने अपनी कहानी को आगे बढ़ाना है। अब देखो मेरे दोस्तों, होता यह है कि सबसे पहले आप किसी भी चीज को इंप्रूव करने जा रहे होते हैं ना, तो पहले आपको प्रॉब्लम समझना पड़ता है कि लैकिंग है क्या। जब आपको लैकिंग समझ में आती है तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं। तो आर्टिकल का जो 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 स्ट्रक्चर है वो भी यही है। पहले एग्जामिनर आपको बताएगा कि वेयर डू आई सी द प्रॉब्लम, एंड फिर एग्जामिनर आपको उसका सोल्यूशन बताएगा कि फिर उसके बारे में किया जा क्या सकता है। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एग्जामिनर कहता है, फॉर सम टाइम नाउ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एग्जामिनिंग टीम हैज ऑब्जर्व्ड दैट कैंडिडेट्स परफॉर्म वेरी वेल इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेदर दैट इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप और अ सिंगल एंटिटी। कह रहा है एग्जामिनर, ये बड़े मामूल की बात है कि हमने देखा है कि स्टूडेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन वाले क्वेश्चन में बहुत बेहतर है, वर्किंग्स कर लेते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लेते हैं, बैलेंस होता है या नहीं होता ये एक सेपरेट बात है, लेकिन ओवरऑल ग्रिप अच्छी है। लेकिन कहता है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब वो कह रहा है कि भाई कुछ बुरा है, अनफॉर्चुनेटली देयर परफॉर्मेंस इज लेस स्ट्रॉन्ग। ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, यानी इस आर्टिकल के अंदर एग्जामिनर आपसे ये नहीं कह रहा कि मैं आपको कोई ऐसी बात बताऊंगा कि आप जीरो से हीरो हो जाएंगे, लेकिन नजर ये आ रहा है कि ऑल्दो कि आपकी नॉलेज है, आपको बात आती है, आप लिखने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उतना अच्छा लिख नहीं पा रहे या उतना अच्छा डिलीवर नहीं कर पा रहे जितनी आपकी कैपेसिटी है। तो योर परफॉर्मेंस इज लेस स्ट्रॉन्ग, इट्स नॉट बैड बट इट्स लेस स्ट्रॉन्ग। कह रहा है देयर परफॉर्मेंस इज लेस स्ट्रॉन्ग व्हेन दे आर आस्क्ड to analyze their financial statements, which tends to suggest that they do not fully understand the composition. You do not fully understand how to structure your answer, how to compose your answer. उस structure, उस composition के ऊपर examiner बात करना चाह रहा है। Examiner कहता है, the main reasons that analysis questions do not score high marks is because, अब examiner ने तीन चीजें ऐसी आइडेंटिफाई की जिसके अंदर बोल रहा है इन तीन चीजों की वजह से हमें यह लगता है कि एक स्टूडेंट जो कि अच्छे मार्क्स ले सकता है, वो तैयारी करके आया है, वो पढ़ के आया है, उसने सारी क्लासेस ली है, उसके पास नॉलेज भी है, लेकिन इन तीन रीजंस की वजह से वो अच्छा स्कोर नहीं कर पाता। अब रीजन नंबर वन, रीजन नंबर टू और रीजन नंबर थ्री। एग्जामिनर कहता है रीजन नंबर वन, कैंडिडेट्स डू नॉट प्रोवाइड वर्किंग्स फॉर देयर रेशियोज कैलकुलेशंस। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम एग्जामिनर ने आपका आइडेंटिफाई कर लिया कि जब आप कोई भी रेशो को कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वर्किंग प्रोवाइड नहीं करते। वर्किंग प्रोवाइड करने का मतलब ये कि अगर आपने जीपी डिवाइड बाय सेल्स करके जीपी मार्जिन निकाला तो वो कह रहे हैं कि 100 डिवाइड बाय 1000 अगर तुम मुझे लिख के बता देते तो मुझे समझ में आ जाता कि तुमने जीपी किस चीज को लिया है, सेल्स किस चीज को लिया है, मैं इस वर्किंग को देख के तुम्हें मार्क्स दे देता। Because otherwise I don't know कि whether your concept is right or wrong, whether you have seen it from somewhere, whether it's your gut feeling or whatever the case is. बल्कि examiner goes on to say, and so markers cannot apply the own figure rule when marking. अब यहाँ पे examiner आपके सामने लेकर आ गया own figure rule. अब सवाल ये है कि sir what do you mean by own figure rule? Own figure rule.
देखिए भाई, ओन फिगर रूल तब अप्लाई होता है व्हेन योर आंसर डज नॉट मैच द मार्किंग स्कीम, बट द कॉन्सेप्ट इज राइट। कितनी बार ऐसा होता है, और खास तौर पे कभी कभार रेशियोज के सवालों के अंदर ऐसा होता है कि जब हम कोई भी रेशियो रिकैलकुलेट करने जा रहे होते हैं, किसी एडजस्टमेंट को अकोमोडेट करने जा रहे होते हैं, तो उसमें हमारे से या तो नंबर लिखने में गलती हो जाती है। भाई कितनी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं बात सही बोल रहा हूँ, मैं नंबर सही बोल रहा हूँ, मैं टेक्निक सही बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी लिखते हुए नंबर गलत लिख देता हूँ। भाई देखो, आप एग्जाम के अंदर बैठे हो तो एग्जामिनर ये समझता है कि आप किसी ठंड प्रोग्राम ड्राइंग रूम में बैठ के अपना एग्जाम नहीं दे रहे हो। आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो, आपके ऊपर टाइम का प्रेशर है, आपके ऊपर बाकी सारे पेपर का प्रेशर है, और हमारे देसी लोगों के अंदर तो जिंदगी और मौत का प्रेशर भी है पेपर देते वक्त। तो इतने सारे प्रेशर्स के अंदर होते हुए अक्सर ऐसा होता है कि आपका कॉन्सेप्ट सही होता है, आप बात सही कर रहे होते हो, आपने एडजस्टमेंट भी सही की होती है, लेकिन जब अल्टीमेटली रेशियो कैलकुलेट करने जाती हो तो आपसे कुछ गलती हो जाती है। जैसे अपने YouTube के अंदर अक्सर ऐसा होता है ना कि YouTube पे मेरी कोई वीडियो देखता है तो नीचे बिल्कुल बेबीज की तरह आके लिखता है, सर आपको पता है आपने 0.23 डेसिमल प्लेस लिया ही नहीं। ओए ओए, अरे भाई मतलब क्या हो गया यार, कम ऑन ग्रो अप। अगर इफ यू कैन सी दैट इट्स जस्ट इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल एरर विच डज नॉट हिंडर, विच डज नॉट अफेक्ट द होल कॉन्सेप्ट दैट वी आर डिलीवरिंग इन द लेक्चर, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मीन यू फाइंड अ मिस्टेक, यू करेक्ट इट ऑन योर ओन, एंड देन मूव फॉरवर्ड। लेकिन खैर, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर, मैं कल भी इत्तेफाक से आपको एक वाक्य ऐसे बताता हूँ। कल मैं किसी के साथ बैठा हुआ था तो उन साहब ने जो है ना बहुत बातें ही निकालना शुरू करी कि भाई देखो फलाने चीज के अंदर ये गलती है, फलाने चीज के अंदर ये गलती है, फलाने चीज के अंदर ये गलती है। मैंने उनको ये बोला कि भाई आप फलाना चीज के अंदर ये गलती है ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फलाना चीज के अंदर ये चीज सही है, इस बात पे तो आप फोकस ही नहीं कर रहे। यानी एक एक इंसान आपके सामने 100 बातें बोले और उसमें से 99 ठीक हो और एक गलत हो, तो आप उस एक को पीछे पकड़ के बैठ गए। भाई वो 99 सही भी तो की है उसे। ये ऐसी बात है ना कि एग्जामिनर आपके साथ रियल लाइफ में क्या करता है। भाई जब आप 51 ले आते हो या आप 50 ले आते हो, तो आपकी जो बाकी 50% गलतियां होती हैं उसको कोई देखता है कभी जिंदगी में? आप एक पेपर देने गए, आपके 50 मार्क्स आ गए, आप पास हो गए। अगर आपने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट किया था, आपके 50 मार्क्स आए, तो 50 मार्क्स नहीं भी तो आए, यानी यू आर इक्विवेलेंट, आपने 50% चीजें गलती की हैं, जितनी सही की है उतनी गलती भी की है। लेकिन अगर सही चीजें ज्यादा हो या सही चीजें अपफ्रंट हो, तो सब लोग गलत चीजों को दरगुजर कर देते हैं ना। अच्छा, ये हमसे अच्छा गोरा ये काम कर लेता है, लेकिन हम ये काम करने को तैयार नहीं। अब गोरा तो खुल के कह रहा है कि भाई मार्कर्स देना चाहते हैं आपको ओन फिगर रूल पे मार्क्स। मार्कर्स जो है, एग्जामिनर जो है, वो आपको ओन फिगर रूल पे मार्क्स देना चाहता है। एग्जामिनर विल सी कि अगर तुम्हारा कॉन्सेप्ट करेक्ट है, तो बेशक तुमने गलत फिगर ले ली होगी, तो ये हो सकता है, गारंटी कोई नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि हम तुमको फिर भी उसके मार्क्स दे दें। भाई आपने वर्किंग सही की थी, रेशो गलत निकाल लिया, तो वर्किंग सही की थी ना, तो वर्किंग को देख के आपको मार्क्स दे देगा। एग्जामिनर कह रहा है मैं कोई ये बीकॉम का एग्जामिनर नहीं हूं कि मेरा टारगेट ये हो कि कुछ ना कुछ करके आपको फेल ही करना है, मेरा टारगेट ये है कि कुछ ना कुछ करके आपको पास ही करना है, तो मैं आपकी अच्छाइयों को तलाश करने की कोशिश करूंगा रादर देन आपकी बुराइयों को तलाश करने की कोशिश करूं। ये गोरे का एजेंडा है, तो हम भी उस एजेंडे को फॉलो करें। कहते हैं देयर फॉर इफ एन आंसर इज रॉन्ग एंड देयर आर नो वर्किंग्स, कैंडिडेट्स गेट्स नो मार्क्स। जब आप कोई आंसर लिखते हैं और उस आंसर के पीछे कोई वर्किंग नहीं दिखाते रेशियोज के अंदर, तो एग्जामिनर आपको ओन फिगर रूल का बेनिफिट देते हुए भी मार्क अलॉट नहीं कर पाता। कह रहे हैं इफ द आंसर इज रॉन्ग बट द वर्किंग्स आर प्रोवाइडेड, एग्जामिनर कहता है इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है दैट मार्कर्स कैन मार्कर्स को ये नहीं कह रहे, मार्कर्स विल नहीं लिखा हुआ, लिखा हुआ है मार्कर्स कैन अवार्ड यू मार्क्स फॉर द पार्ट्स ऑफ द कैलकुलेशन दैट आर करेक्ट। तो बेटा आज से हमने को एक सीख ये मिल गई कि जब भी हम एग्जाम के अंदर जाएं और रेशियोज का सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो, तो हम मेक श्योर करें कि हम ओन वर्किंग का बेनिफिट उठा लें, वर्किंग्स अपने रेशियो के दिखा दिया करेंगे। तो अगर थोड़ी बहुत गलती भी हो गई, वैसे तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम हमेशा सही काम करें, लेकिन अगर गलती हो भी गई तब भी बेनिफिट ऑफ द डाउट मिल दे के या ओन वर्किंग का बेनिफिट दे के एग्जामिनर्स अपने को मार्क्स अलॉट कर देगा।
आगे चलते हैं। एग्जामिनर कहता है कैंडिडेट्स ऑफन से दैट अ रेशियो हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बट डू नॉट प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई माइट दैट बी द केस। दिस मे इंडिकेट दैट अ कैंडिडेट डज नॉट अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये बड़ा मजाहिया है, मैं हमेशा अपनी क्लासेस के अंदर भी बताता हूँ कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई होती है कि वो एग्जाम के अंदर जाते हैं, वो ये बोलते हैं द करंट रेशियो हैज इंक्रीज्ड। अच्छा कभी कभार पूरी पूरी बात, द करंट रेशियो हैज इंक्रीज ड्यू टू हायर करंट एसेट्स। यार अगर ये इंटरप्रिटेशन तुम लिख के आ रहे हो ना तो भैया आपको सलूट है। द करंट रेशियो हैज इंक्रीज ड्यू टू हायर करंट एसेट्स, ये कोई इंटरप्रिटेशन थोड़ी है। मतलब ये तो कोई 8 क्लास का बच्चा भी जज कर सकता है कि अगर करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज है, तो अगर करंट एसेट बढ़ेंगे तभी ये रेशियो बढ़ रहा होगा। मतलब इसमें तो कोई साइंस है ही नहीं ना। तो एग्जामिनर ये कह रहा है कि अक्सर लोग इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर ओवर फोकस तो कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि यार व्हाई दिस माइट हैव हैपेंड, व्हाई दिस माइट हैव हैपेंड। सो यू नीड टू गेट टू द नीटी ग्रिटीज ऑफ द जॉब, यू नीड टू गेट टूवर्ड्स द नीटी ग्रिटीज ऑफ द जॉब, यू नीड टू एक्सप्लेन व्हाई दिस माइट हैव हैपेंड। दिस माइट हैव हैपेंड ड्यू टू अ डिस्पोजल नियर टू द ईयर एंड, दिस माइट हैव हैपेंड बिकॉज ऑफ अ न्यू फाइनेंस, अ बैंक लोन टेकन जस्ट बिफोर द ईयर एंड, और मे बी यू हैव यू नो कैंसल्ड ऑफ अ लाइबिलिटी, अ करंट लाइबिलिटी माइट हैव टर्न्ड इनटू अ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। आई मीन समथिंग लाइक दैट दैट कनेक्ट्स विद द सवाल इटसेल्फ। लेकिन अगर सिंपली ये लिख दिया द करंट रेशियो हैज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड, या सिर्फ ये लिख दिया कि इट माइट हैव इंक्रीज्ड ड्यू टू हायर करंट एसेट्स, तो इट इज एज गुड एज नॉट राइटिंग एन आंसर, यू वोंट गेट एनी मार्क्स फॉर इट। तो एग्जामिनर दूसरा मसला ये कह रहा है कि लोग इंक्रीज और डिक्रीज पे फोकस तो कर रहे हैं रेशियो के, लेकिन वो रेशियो का इंक्रीज या डिक्रीज क्या डिपिक्ट कर रहा है। जैसे करंट रेशियो का इंक्रीज लिक्विडिटी का बेहतरी डिपिक्ट कर रहा है, उसकी एसेंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे स्टूडेंट, जिसकी वजह से उनको मार्क्स नहीं मिल रहे। फिर कहता है कैंडिडेट्स डू नॉट मेक यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन सिनेरियो एंड सो द आंसर्स लैक्स डेप्थ। भाई वो कह रहा है कि आप क्वेश्चन के सिनेरियो को इस्तेमाल नहीं कर रहे, यानी क्वेश्चन के सिनेरियो के अंदर आपको कौन से टाइप की इंडस्ट्री दी हुई है, फैशन इंडस्ट्री है, या मिसाल के तौर पे सुपरमार्केट है, या मिसाल के तौर पे कोई यू नो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है। तो एंटिटी और उसके एनवायरनमेंट का एसेंस आप अपने सवाल के जवाब के अंदर इस्तेमाल नहीं कर रहे। या फॉर एग्जाम्पल एग्जामिनर अक्सर हमने सवालों के अंदर देखा है कि एग्जामिनर बात ऐसे स्टार्ट करता है, इट हैज बीन चैलेंजिंग इकोनॉमिक टाइम्स फॉर द एक्स कंट्री जहां पे आपकी कंपनी प्रेजेंट है। अब उसका इतना कह देना कि इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, तो बाकी सारी नॉलेज आपने खुद लगानी। इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ी हुई होगी, इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से कॉस्ट ऑफ यू नो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ रही होगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ने की वजह से ग्रॉस मार्जिन गिर रहा होगा। अगर आपने यूं रीजनिंग बना दी तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अपनी ही बात के, उस इंक्रीज या डिक्रीज को जस्टिफाई करना आसान हो जाएगा। या फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि भाई कॉम्पिटिशन बहुत फेयर्स है, तो कॉम्पिटिशन फेयर्स होने की वजह से आपकी सेल्स ड्रॉप हो सकती है, कॉम्पिटिशन फेयर यू नो फेयर्स होने की वजह से आपको नजर आ रहा है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन गिर जाएगा, कंपटीशन फेयर्स होने की वजह से हो सकता है आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर खर्चा आप ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। तो जब भी कोई सिनेरियो आज के जमाने में एग्जामिनर देता है तो उस सिनेरियो को पकड़ना और उस सिनेरियो को अपने आंसर के अंदर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है ताकि डेप्थ आए आपके आंसर के अंदर। जब तक ये डेप्थ नहीं आएगी आपके आंसर के अंदर तो एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स अलॉट नहीं कर पाएगा। तो 3 खामियां हमने जनरली स्टूडेंट्स के अंदर देखी। एग्जामिनर कह रहा है पहली बात रेशियोज की वर्किंग नहीं दिखा रहे, दूसरी बात इंक्रीज और डिक्रीज बता रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज की पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं ये नहीं बता रहे, तीसरी चीज ये है कि सिनेरियो से करेक्ट नहीं कर रहे। तो आज के बाद से हम जितने भी रेशियोज के सवाल को आंसर करने जाएंगे इन 3 चीजों का ख्याल हमको जरूर रखना पड़ेगा। क्लियर। एग्जामिनर कहते हैं अनफॉर्चुनेटली, जरा बात को सुनिएगा, अनफॉर्चुनेटली देर इज लिटिल द एग्जामिनिंग टीम कैन डू टू हेल्प विद द लास्ट 2 ऑब्जर्वेशंस। एग्जामिनर कह रहा है ये जो 2 ऑब्जर्वेशंस है ना कि स्टूडेंट सिर्फ इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर बात कर रहा है, रेशियो के एसेंस के ऊपर बात नहीं कर रहा, या सिनेरियो से कनेक्ट नहीं कर रहा। एग्जामिनर कह रहा है हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम इसका कुछ नहीं कर सकते। एग्जामिनर कह रहा है कैंडिडेट्स को ये करना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम,
एंड दिस इज एंड द ओनली वे टू डू दिस इज कि आप वो यू नो प्रैक्टिस पास्ट एग्जाम्स एंड रिविजन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करें और अपने आंसर को कंपेयर करें विद द सजेस्टेड सोल्यूशन सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई द गैप्स। तो सेकेंड और थर्ड पॉइंट्स का जो सारा बर्डन था ना, वो बर्डन या ओनस आपके ऊपर आ चुका है कि आपने ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करके, ज्यादा ज्यादा आंसर्स लिख के, अपने ट्यूटर से वेरीफाई करा के उसके ऊपर काम करना है। क्या एग्जामिनर कह रहा है, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एग्जामिनर ये कह रहा है कि हाउ एवर टू इनकरेज कैंडिडेट्स टू प्रोड्यूस वर्किंग्स इन देयर रेशियोज कैलकुलेशंस द एग्जामिनिंग टीम हैव डिसाइडेड टू यूज प्री फॉर्मेट रिस्पॉन्सेज इन सम ऑफ द एनालिसिस क्वेश्चंस। याद रखिएगा, बट नॉट ऑल। एग्जामिनर कह रहे हैं ये जो पहला वाला मसला था ना, जिसके अंदर स्टूडेंट्स अपनी वर्किंग्स शो नहीं करते कि उन्होंने रेशियोज कैसे कैलकुलेट किए, इससे बाहर निकलने के लिए आज के जमाने के अंदर हम लोग ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे प्री पॉपुलेटेड टेबल्स। ऐसा हो सकता है कि जब आप एग्जाम के अंदर जाएं तो आपके एग्जाम के अंदर, आपके आंसर एरिया के अंदर ऑलरेडी ये एक प्री पॉपुलेटेड टेबल आपके सामने बना बनाया नजर आए। हो सकता है, पर मैंडेटरी नहीं है। हो सकता है प्री पॉपुलेटेड टेबल बना हुआ आए और हो सकता है प्री पॉपुलेटेड टेबल बना हुआ ना आए। जैसे आज के जमाने में मैं बता रहा था कि SBR के अंदर ये प्री पॉपुलेटेड ऐसे टेबल्स आजकल बने बनाए आते हैं ताकि स्टूडेंट्स को ये पता हो कि किस फॉर्मेट के अंदर वो अपनी नॉलेज को अप्लाई करेंगे तो वो दे कैन गेन मैक्सिमम मार्क्स। एग्जामिनर कह रहे सब में तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ में हो सकता है। इससे एक ये भी इंटरप्रिटेशन निकल कर आई कि अगर आप एग्जाम के अंदर जाएं और ऐसा कोई प्री पॉपुलेटेड टेबल बना हुआ हो तो उसी को इस्तेमाल करें, ना बना हुआ हो तो खुद बना लें। सर अगर खुद बनाने जाएं तो उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, एग्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट के अंदर, आर्टिकल के अंदर बता दिया आपको क्या क्या होना चाहिए। जो जो रेशियोज निकाल रहे हो एक उसका कॉलम बना लो, फिर एक साइड में ना वर्किंग का कॉलम खुद से ही बना लो। कॉलम बना लोगे तो अपने आप को बाउंड कर दोगे कि तुम्हें वर्किंग करना अब जरूरी है। मिसाल के तौर पे अगर 100 डिवाइड बाय 10 यू नो 1000 डॉलर्स कर रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हो, तो जो नंबर्स इस्तेमाल कर रहे हो अपनी वर्किंग के अंदर वो लिख दो। इससे होगा ये कि आपको ओन वर्किंग रूल का बेनिफिट मिल जाएगा, और अगर आपकी नंबर्स गलत भी हुए, तो शायद एग्जामिनर आपकी वर्किंग्स को देख के, आपकी लॉजिक को देख के आपको उसके मार्क्स अलॉट कर दे। गारंटी कोई नहीं है, लेकिन कर जरूर सकता है एग्जामिनर। एग्जामिनर जो चाहे कर सकता है। एक वर्किंग को कॉलम रखो, और फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक या दो कंपनीज हैं, या एक कंपनी है जिसके रेशियोज तुमने कैलकुलेट करने हैं और उसके साथ में सेक्टर एवरेज है, तो सेक्टर एवरेज जो प्री पॉपुलेटेड टेबल होगा उसके अंदर जो एग्जामिनर ऑलरेडी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर दे रहा होगा ना, वो प्री पॉपुलेटेड होगी, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर एग्जामिनर ने प्री पॉपुलेट करके नहीं दी तो आप एग्जामिनर की जो जो क्वेश्चन एरिया होता है वहां से कॉपी पेस्ट करके भी अपनी आंसर शीट में लिख सकते हो। और फिर एक ऐसा एरिया होगा जहां पे आपने खुद आंसर जो इन वर्किंग्स के थ्रू कैलकुलेट किया वो जाके लिखना होगा। तो एक कॉलम के अंदर, एक टेबल बना के एक कॉलम के अंदर अपने जो भी रेशियो आपका कैलकुलेट होकर आया उसको जाके लिख दीजिए। एग्जामिनर ने आगे चल के ना आर्टिकल में ये भी समझाया है, एग्जामिनर सोचा हमको कितना बेवकूफ समझता है, लेकिन फिर भी सही समझता है, और उसने हमें ये बताया, कहने लगा कि अगर किसी कॉलम को ही मैंने तुम्हें कॉलम बना के दिया और उस कॉलम के अंदर मैंने ऐसे लिखा हुआ टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड, तो आपको नया टेबल नहीं बनाना, इस टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड, टू बी कैलकुलेटेड को डिलीट करना, कोई मार्क्स नहीं काटूंगा इसके, इसको डिलीट करना, और जो तुम्हारा आंसर आ रहा है वो जाके यहाँ पे लिख देना। कॉलम डिलीट करने की बात नहीं कर रहा, ये टेक्स्ट डिलीट करना और अपना आंसर यहाँ पे जाके लिख देना। अगर तुमने मेरा बना बनाया टू बी कैलकुलेटेड वाली एरिया अगर डिलीट कर दिया तो घबराना नहीं, मैं उसके मार्क्स नहीं काटूंगा। अच्छा, किसी ने सवाल किया सर क्या यहाँ पे फॉर्मूला दिखाना जरूरी है? फॉर्मूला क्या अप्लाई किया वो दिखाना जरूरी नहीं है, वर्किंग नंबर्स किस तरीके से तुमने नंबर कैलकुलेट किया है ये दिखाना जरूरी है, ये दिखाना जरूरी है। फॉर्मूला दिखाना जरूरी नहीं है, जीपी डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 ये सब दिखाना जरूरी नहीं। क्लियर हो गई बात, ये बस आपको नंबर्स दिखाना जरूरी है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जामिनर आर्टिकल के अंदर कहता है दिस मीन्स दैट कैंडिडेट्स, सुनना, डू नॉट हैव टू बिल्ड अ टेबल इन द रिस्पॉन्स एरिया एंड दैट द सेक्टर एवरेज इंफॉर्मेशन जो कि क्वेश्चन के अंदर शायद दी भी होगी उसने, वो प्री पॉपुलेटेड है। अच्छा, अब कोई बच्चा आर्टिकल को देख के ये ना बोले कि सर ये तो हम एक सवाल के अंदर गए उसमें सेक्टर एवरेज था ही नहीं। भाई सेक्टर एवरेज नहीं होगा तो कोई और डिटेल होगी,
कोई और डिटेल होगी तो एग्जामिनर कह रहा है मैं वो प्री पॉपुलेट करके दे दूंगा। जो डेटा मैंने तुम्हें सवाल में दिया है ना, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो टेबल की फॉर्म के अंदर तुम्हें प्री पॉपुलेट करके आंसर शीट में दे दूं, ताकि तुम्हारा टाइम जाया ना। क्लियर है ना? जो एग्जामिनर ने खुद से कैलकुलेट किया हुआ होगा वो लिखा लिखाया दे देगा, तुम्हें बस एडिशनल काम करना है। एग्जामिनर कहता है व्हेन कैंडिडेट सी सच अ प्री पॉपुलेटेड रिस्पॉन्स एरिया दे वुड बी एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड देयर वर्किंग्स इन द अप्रोप्रिएट कॉलम एंड पुट देयर आंसर्स इन द सेल वेयर इट करंटली स्टेट्स, वेयर इट करंटली स्टेट्स टू बी कैलकुलेटेड। इस टू बी कैलकुलेटेड वाले कॉलम के अंदर जाके अपने आंसर को लिख देना। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही आप लोग? क्लियर होती है बात? ये तो अब आगे बढ़ते हैं जरा। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई आगे चलो जरा। एग्जामिनर कह रहे हैं प्लीज नोट दैट सम टेबल्स मे नॉट इंक्लूड द वर्ड्स टू बी कैलकुलेटेड। यार एग्जामिनर अपने को बिल्कुल उल्लू समझ रहा है, सही समझ रहा है। एग्जामिनर कह रहे हैं भाई कभी कभार ऐसा भी हो सकता है भाई, मतलब ये मुझे पकड़ नहीं लेना, कभी कभार ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारे सामने कोई टेबल बना के दूं जिसके अंदर ये ना लिखा हुआ हो टू बी कैलकुलेटेड। वेयर दे डू इट वुड बी बेटर टू डिलीट द टू बी कैलकुलेटेड टेक्स्ट बट यू विल नॉट लूज मार्क्स इफ यू डू नॉट डू दिस। ठीक है भाई। However, you should be aware that it is possible to delete any text that currently exists in the table, including the sector average information. Examiner ने भाई अपने आप को ये भी क्लियर कर दिया कि अगर तुमने टेबल को मॉडिफाई करना है ना, कुछ हटाना है, कुछ लिखना है, कुछ यूज का नहीं है तो उसको डिलीट करना है, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मुझे मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। तुम टेबल को रिप्रोड्यूस कर लो, मेरा टेबल डिलीट कर दो, जो करना है करो, बस कर लो। उसका एजेंडा ये है कि तुम वर्किंग्स प्रोवाइड करो ताकि मैं तुमको मार्क्स दे दूं। मेरे ख्याल से इतनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शायद ही आपको दुनिया में कोई मिले जो कि ये सिखा रही है कि हाउ टू गेन मार्क्स। और जब आपको कोई सिखा रहा है ना कोई बॉडी के हाउ टू गेन मार्क्स, वो उसी दौरान आपको प्रोफेशनलिज्म भी देते चले जा रहे हैं, बिकॉज यही प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन है कि जबकि आप जो रियल लाइफ में जाएंगे तो इसी पैटर्न के अंदर, इसी तरीकेकार के अंदर आपको काम करना होगा जो आपको अभी सिखाया जा रहा है। एग्जामिनर कहता है ऑब्वियसली यू विल नीड दिस इंफॉर्मेशन टू कंप्लीट योर एनालिसिस, सो इन केस यू डू डिलीट दिस बाय मिस्टेक द अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन विल बी रेप्लीकेटेड इन द क्वेश्चन सिनारियो फॉर योर इंफॉर्मेशन। सो टू रीइटरेट, रीइटरेट का मतलब दोबारा बोल रहे हैं, इफ यू डिलीट समथिंग बाय मिस्टेक इन द रिस्पॉन्स एरिया, अरे भाई ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, इफ यू डिलीट समथिंग बाय मिस्टेक इन द रिस्पॉन्स एरिया डू नॉट पैनिक, डू नॉट पैनिक, पैनिक नहीं करना भाई तुम लोगों ने। मतलब वो आया, मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ ना कि वहां बैठ के जो है ना तुम लोग चूड़ियां तोड़ना शुरू ना हो जाना, हाय अल्लाह हाय अल्लाह हाय अल्लाह क्या हो गया, डिलीट हो गया। भाई डिलीट हो गया कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम अपने सवाल में से डेटा को कॉपी करके वापस लिख सकते हो, वहां पे कोई बड़ी बात ठीक है। यू विल बी एबल टू फाइंड इट अगेन इन द सिनेरियो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन, होपफुली दिस स्ट्रैटेजी विल हेल्प कैंडिडेट्स टू पिक अप वाइटल मार्क्स इन द रेशियोज कैलकुलेशंस। आजकल वैसे भी हम देखते हैं ना कि जब भी कोई रेशियोज का सवाल आता है तो अप्रोक्सीमेटली 40 to 45% ऑफ द मार्क्स इज जस्ट फॉर द रेशियोज कैलकुलेशंस। व्हाई डोंट वी मेक श्योर दैट वी एटलीस्ट गेट दोज 9 or 10 marks एंड मेक श्योर दैट आर पेपर गोज वेरी वेल, ठीक है ना? तो दीज आर इजी मार्क्स, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं जिनका बेनिफिट आप बड़े आसानी से उठा सकते हैं। एग्जामिनर कहता है Once you have calculated these ratios, you should look at the requirement to establish what you have been asked to comment on, and set up the required headings in the response area. For example, performance या liquidity या whatever. अक्सर ऐसा होता है कि जब हम रेशियोज के सवाल करते हैं ना, तो उस रेशियो के सवाल के अंदर एग्जामिनर रिक्वायरमेंट के अंदर ये कह रहा होता है कि एनालाइज द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ एक्स वाई जी एंटिटी। तो एग्जामिनर कह रहा है इट्स बेटर दैट यू ब्रेक डाउन द रिक्वायरमेंट दैट वी हैव गिवन यू इन द एग्जाम, और उसका ब्रेक डाउन करके हेडिंग्स के अंदर अपने आंसर दे दो, हेडिंग्स के अंदर अपने आंसर दे दो। अगर मिसाल के तौर पे मैं एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बना रहा हूं जहां पे एग्जामिनर आपको ये कहता कि कमेंट ऑन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द लिक्विडिटी ऑफ एक्स वाई जी कंपनी,
एग्जामिनर कह रहे हैं रादर देन गोइंग इन वन गो, तुम अगर परफॉर्मेंस की या प्रॉफिटेबिलिटी की और लिक्विडिटी की अलग अलग हेडिंग्स बना दोगे तो मेरे लिए तुम्हें मार्क्स अलॉट करना बहुत आसान हो जाएगा। दिस इज अ प्रेफर्ड टेक्निक। कह रहे हैं इट इज यूजुअली बेस्ट टू स्टार्ट एट द टॉप ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड वर्क डाउन, बिकॉज चेंजेस डिफरेंसेस इन रेवेन्यू ऑफन ड्राइव सिमिलर चेंजेस डिफरेंसेस इन अदर रेशियोज। तो वो कह रहे हैं जैसे हम क्लास के अंदर करते हैं ना, पूरा पीएनएल पूरी बैलेंस शीट पढ़ते हुए चलते हैं एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट की तरफ। कह रहे वो सारी स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो जब तुम अपना फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसी भी सवाल के पढ़ रहे हो, अब ये देखो ये बड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को गौर से सुनना। जब भी तुम कोई फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द एग्जामिनर पढ़ रहे हो तो उसके अंदर कुछ सवाल पूछते चले जाओ। इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन द रेशियो आई कैलकुलेटेड एंड गिवन इन द कंपैरिजन रेशियो। मिसाल के तौर पे आपको सवाल के अंदर ऑलरेडी कॉम्पिटिटर का डाटा दिया हुआ था जिसका मिसाल के तौर पे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 45% था, और आप इंफॉर्मेशन पढ़ते हुए चले जा रहे हैं, आपका कैलकुलेटर पे हाथ चल रहा है, आपने देख लिया कि यार आपका जीपी मार्जिन तो 33% आ रहा है, तो आपका एक पर्सपेक्टिव क्लियर हो गया कि द डेटा विच हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर द प्रीवियस ईयर और फॉर द सेक्टर और फॉर द कॉम्पिटिटर और फॉर द कंसोलिडेटेड कंपनी और वट एवर, उसका लास्ट टाइम का जीपी मार्जिन इतना है और हमारा लगभग इतना आ रहा है। सो देर इज सम इन कंपेरिजन टू दी अदर थिंग देर इज सम डिफरेंस। ये सब तुम पढ़ते हुए असेस करते चले जा रहे हो। डज द चेंज या डिफरेंस इन दिस रेशियो इंपैक्ट अदर रेशियोज? क्या जीपी मार्जिन के चेंज हो जाने से मिसाल के तौर पे और चीजें भी और फंडामेंटल्स भी चेंज होते होंगे? मिसाल के तौर पे एनपीवी चेंज होता होगा, मिसाल के तौर पे रोस भी चेंज होता होगा, मिसाल के तौर पे कुछ और भी होता होगा। तो ये सारी चीजें तुम सोचते चले जा रहे हो, तुम अपने आप से पूछते चले जा रहे हो। देखो ना एग्जामिनर ने कितनी खूबसूरत बात लिखी है, यू शुड आस्क योर सेल्फ द फॉलोइंग क्वेश्चन। जो डेटा प्रोवाइडेड है उससे आने वाले आंसर्स मुख्तलिफ हैं या नहीं? क्या एक रेशो का इंपैक्ट किसी और रेशो पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या मैं कोई इंटरलिंक क्रिएट कर सकता हूं या नहीं कर सकता? तीसरी चीज, इज देयर एन ऑब्वियस रीजन फॉर द चेंज या डिफरेंस? टू फाइंड द आंसर यू विल नीड टू एग्जामिन द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट रेशोज और लुक एट द क्वेश्चन सिनेरियो फॉर अ पोटेंशियल एक्सप्लेनेशन। क्या कोई मोटी मोटी चीदी चीदी ऐसी रीजंस हैं जो कि हम सिनेरियो से ही पकड़ के क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये वाले रेशियो के अंदर जो इम्पैक्ट आया ये इस वजह से आया होगा? और अक्सर एग्जाम में ऐसी चीजें गिवन होती हैं कि आपको लंबी चौड़ी नहीं करनी पड़ती, क्लियर एग्जाम का एक पॉइंट होता है जिसको पकड़ के आप अपनी रीजनिंग बड़े आराम से बना सकते हैं। एग्जामिनर कहता है ये भी देखो कि इज देयर एनीथिंग दैट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी कैन डू टू रिजॉल्व द आइडेंटिफाइड इशू। यानी समटाइम्स इट इज पॉसिबल दैट यू कैन प्रोवाइड अ सॉल्यूशन इफ दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन। फॉर एग्जाम्पल अक्सर ऐसा होता है ना कि हमारे सामने सवाल आते हैं जिसके अंदर एग्जामिनर बोल रहा होता है कि वी आर डिस्पोजिंग ऑफ अ कंपनी, या फॉर एग्जाम्पल वी आर लुकिंग एट अ पोटेंशियल एक्विजिशन। अक्सर ऐसे सवाल आए ना जिसके अंदर एग्जामिनर आपको बोलता है यू हैव बीन आस्क्ड टू एनालाइज फॉर एबीसी कंपनी एक्स वाई जी कंपनी सो दैट दे कैन एक्वायर दैट कंपनी। तो एबीसी कंपनी के बिहाफ पे एक्स वाई जी कंपनी का आपने अप्रेजल करना होता है सो दैट यू कैन गाइड कि यार सामने वाली कंपनी को एक्वायर कर ले या ना कर ले। तो क्या कोई ऐसी बात है कि इनको आप एडवाइस करना चाहेंगे ड्यूरिंग देयर एक्विजिशन? मिसाल के तौर पे आपको ब्रेकअप ऑफ डेटा देख लेना चाहिए था, मिसाल के तौर पे आपको नॉन करंट एसेट्स की डिटेल मिल जाती, मिसाल के तौर पे आपको हिस्टोरिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती, मिसाल के तौर पे आपको थोड़ा सा बिजनेस की नो हाउ मिल जाती, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का डेटा मिल जाता, मिसाल के तौर पे कुछ कॉम्पिटिटर का डेटा मिल जाता, तो डायरेक्टर बेहतर डिसीजन ले लेता रिगार्डिंग दी एक्विजिशन। तो अगर कहीं पे कोई सोल्यूशन कोई रिकमेंडेशन तुम दे सकते हो विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट तो वो दे देना, सही है ना? और हमारे पेपर के अंदर अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई एक्विजिशन या डिस्पोजल हो रही होती है जिसका हमको जिसके अंदर कोई ना कोई एडवाइस दी जा सकती है, जिसके अंदर कोई ना कोई एडवाइस दी जा सकती है। क्लियर? कहते हैं इन फॉलोइंग दिस स्ट्रैटेजी कैंडिडेट्स कैन प्रोवाइड आंसर्स टू एनालाइज क्वेश्चंस दैट हैव डेप्थ एंड आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस व्हिच हैज बीन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन सिनेरियो। तो प्लीज मेक श्योर इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी, इफ यू फॉलो दिस स्ट्रैटेजी एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू रीड दिस एरिया अगेन एंड अगेन सो दैट यू मेमोराइज इट। तो फिर आप जब भी कभी कोई सवाल देखा करेंगे तो ये चार सवाल हैं जो आप अपने आप से हमेशा पूछा करेंगे। पहला सवाल, क्या गिवन डेटा से मेरे डेटा के अंदर कोई फर्क है? क्या एक रेशो का इम्पैक्ट किसी और रेशो के ऊपर पड़ेगा?
क्या कोई मोटे मोटे चीजें चीजें ऐसे रीजंस हैं जिसकी बेसिस के ऊपर ये चेंज जस्टिफाई हो जाता है? चौथी बात ये कि क्या हम कोई सोल्यूशन एडवाइस कर सकते हैं डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी को, या जो भी स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनी है उसको कोई सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं कर सकते? ये चार बातें हैं एग्जामिनर बोल रहा है, इसको देख के मैं तुमको मार्क्स अलॉट करना चाहता हूं। एग्जामिनर आखिर में कहता है, वी होप यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल एंड इट कैन सर्टेनली इंप्रूव योर आंसर टू एनालिसिस क्वेश्चन, वेदर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ ग्रुप और अ सिंगल एंटिटी, कोई भी टाइप का सवाल आए उसके अंदर ये सारी चीजें फिट इन की जा सकती हैं। अब देखो, हमने आर्टिकल पढ़ लिया और इस आर्टिकल के अंदर आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, ये एसीसी की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, वरना आप चाहेंगे तो मैं भी आपसे ये जो नोटेड फॉर्म है उसके अंदर शेयर कर सकता हूँ। अब ये सारी चीजें हम इंप्लीमेंट करेंगे कभी भी किसी भी सवाल को अटेम्प्ट करते हुए।